और अब बात मेरठ की, जहां बीजेपी पार्षद के बेटे का चालान काटने पर पुलिस और भाजपाई के बीच झड़प हो गई। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सूरज कुंड चौराहे के पास सीताराम पुलिया पर चेकिंग के दौरान चालान काटने का है, जहां भाजपाई और पुलिस आपस में भिड़ गए। असल में बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे का चालान काटने पर बीजेपी पार्षद आशु रस्तोगी ने अपना आपा खो दिया और एसओ धनवीर सिंह को चालान काटने पर खरी खोटी सुनाते हुए वर्दी उतरवाने की धमकी तक दे डाली। तो खुलेआम एसओ को वर्दी उतरवाने की धमकी दी पार्षद ने। बीजेपी नेता के बेटे का चालान काट दिया गया था, जिसके चलते आपा खो बैठे पार्षद। बीजेपी पार्षद आशु रस्तोगी ने एसओ को चालान काटने पर खरी खोटी सुनाई, न सिर्फ खरी खोटी सुनाई बल्कि वर्दी उतरवा देने तक की धमकी दे डाली। तो किसकी शह पर खाकी के लिए खलनायक बने हैं, बड़ा सवाल, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आ चुका है, जब कई पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है, वो भी इसलिए क्योंकि बीजेपी नेताओं के साथ झड़प हुई थी। चोर पकड़ नहीं जाते साले, और ऐसे बच्चों को परेशान करते हो, क्या बच्चों को परेशान करते हो? होश में आ जाओ इंसान, होश में आ जाओ। पढ़ने वाले बच्चों की ऐसे क्या करते हो? गाली बकोगे? क्या गाली बकोगे? कुछ भी करेंगे, झूठ बोल रहे हो। चोर पकड़ नहीं जाते साले, और ऐसे बच्चों को परेशान करते हो, क्या बच्चों को परेशान करते हो? होश में आ जाओ इंसान, होश में आ जाओ। पढ़ने वाले बच्चों की ऐसे क्या करते हैं? गाली बकोगे? गाली बकोगे? कुछ भी करेंगे। तो सत्ता के नशे में खुद चूर है पार्षद साहब, और होश में आने की नसीहत एसओ को देते हुए नजर आ रहे हैं।